हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे ये जो रूट्स के कॉपी हॉर्न आते हैं, रूट्स टाइप कॉल, इसे हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन 600 रुपीज़ के मुझे मिल गए, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसकी साउंड चेक की। फ्रेंड्स, ये जो हॉर्न हैं इनकी बहुत लाउड साउंड है। 600 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी आवाज़ बहुत कम होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कहूँगा कि ये रूट्स के बराबर मुकाबला कर सकते हैं और बहुत ही लाउड साउंड है इसकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में इसका बॉक्स खोल लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है टोयोटो की तरह ही, इस पर TOVO लिखा है वाई की जगह, और ये आप देख सकते हो वाइब्रोसोनिक हॉर्न है। फ्रेंड्स देखिए, इसकी प्राइस आप देख सकते हो मार्केट प्राइस क्या है, और ये मुझे 600 रुपीज़ में मिल गए हैं। अब मैं आपको हॉर्न खोल के दिखा देता हूँ अंदर से भी, और बहुत ही हैवी हॉर्न है और बहुत वेट है इनका, ये आप देख सकते हो। बहुत बड़े बड़े हॉर्न हैं और इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, और मैं फुली सेटिस्फाई हूँ इस हॉर्न से 600 रुपीज़ में। तो हमारी गाड़ी में जो पहले से हमने लगा के रखे हैं उसकी वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। वो ट्रम्पट हॉर्न हमने इंस्टॉल किए थे जो क्रेटा गाड़ी में आते हैं। मैं आपको एक बार साउंड भी सुना देता हूं उसकी, वो हॉर्न कैसे लगे हैं हमारी गाड़ी में। देखिए फ्रेंड्स, उनकी साउंड आप सुन सकते हो, और अब हम इन हॉर्न को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी साउंड कैसी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी का बोनट हमने खोल लिया है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो पुराने हॉर्न हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। ये अंदर आप देख सकते हो ग्रिल के अंदर वाली साइड पे, यहाँ नीचे वाली साइड दोनों हॉर्न लगे हैं, और अब इन हॉर्न को हमें रिमूव करना है। उसके लिए ये आप देख सकते हो गाड़ी पर एक नट यहाँ पर लगा है, और सेम इसी तरह एक नट वहाँ पर लगा है। ये दो नट हम खोलेंगे तो बम्पर लूज़ हो जाएगा, फ्रंट जो ग्रिल वाला पोर्शन है, तो इसे हम खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी न्यू मॉडल कार है तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि उसमें बिना रिले के भी हॉर्न को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी ओल्ड वाली कार है जो 15-14 मॉडल या 16 मॉडल में आते हैं, तो आप उसमें रिले का यूज़ कर सकते हो, 4-pin रिले। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो रिले भी कौन सी है, पहले हम ग्रिल खोल लेते हैं। इस नट को हमने खोल लिया है, अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, और जो हॉर्न है उसे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, i10 की ब्रांडिंग, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी वीडियो देख के सीख सकते हो कि हॉर्न पूरा फिट कैसे करना है, पूरी वायरिंग वगैरह हर एक चीज़ मैंने दिखाई है। और ये हॉर्न अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर दूसरा वाला चाहिए आपको वाइब्रोसोनिक, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। तो अब हम ग्रिल का दूसरी साइड का नट भी खोल लेते हैं, तो हमें जगह बन जाएगी काम करने के लिए अच्छे से। मेरे पास कुछ ज़्यादा टूल नहीं है खोलने के लिए, इसलिए मैं कुछ नॉर्मल टूल्स हैं उन्हीं से ही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अब हमें ग्रिल को ये लॉक जो ऊपर लगे रहते हैं इसे खींचना है, और ये आप देख सकते हो ग्रिल के बीच में हमें जगह बन चुकी है काम करने के लिए। और अब यहाँ पे हम हॉर्न को फिट करेंगे, आप डिफरेंस देख सकते हो इन हॉर्न में कितने हैवी हैं ये और कितने बड़े भी हैं। और ये आप देख सकते हो ट्रम्पट बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन साउंड दोनों की ही अच्छी है, आपको जो अच्छी लगे आप वही इंस्टॉल कर लो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें रिले कहाँ पे लगी है, ये आप देख सकते हो 4-pin रिले। इसमें ये जो साइड पे आमने सामने बिल्कुल बने रहते हैं पिन, उनमें आपको क्या करना है, कंपनी के जो ओरिजिनल हॉर्न की वायर आती है वो लगा देनी है, और जो 30 नंबर जिस पर लिखा रहता है उस पर आपने वायर लगा के पिन की मदद से सीधा बैटरी के पॉजिटिव पर लगा देना है, और फिर जो एक पॉइंट उस पर बच जाता है 87 नंबर वाला,
उसमें से आपने वायर निकाल कर सीधा क्या करना है कि दोनों हॉर्न के बीच में एक एक थिंपल लगा देना है, जिस तरह मैंने ये निकाली है आप देख सकते हो। और फिर क्या करना है आपने, इस रिले को छोड़ देना है और फिर दोनों हॉर्न के साथ एक एक पिन लगा के और उस वायर को आपने क्या करना है बॉडी के साथ अर्थ कर देना, जिस तरह मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं हॉर्न को लगा लेता हूँ, आपको इसकी फिर साउंड सुनाऊँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी साउंड कैसी है हॉर्न की। फ्रेंड्स आपने देखा कितनी लाउड साउंड है, एक बार फिर से आप मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको हॉर्न की प्लेसमेंट कहाँ पे की है हमने, ये आप देख सकते हो नीचे। आगे वाली साइड से भी दिखा देता हूँ, ये ग्रिल के बिल्कुल पीछे वाली साइड इंस्टॉल हो चुके हैं, जो पुराने हॉर्न कंपनी से आते हैं उसी के प्लेसमेंट पे। तो इसकी साउंड मैं आपको इधर से सुना देता हूँ एक बार, एक मिनट। फ्रेंड्स कितनी लाउड साउंड है। अब मैं बोनेट बंद करके एक बार आपको वैसे भी सुना देता हूँ। आपने इसकी साउंड सुन ली फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि इसकी कितनी लाउड साउंड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से कैसी है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।